Now let us look at the contribution of one by one, beginning with the person. Name of the person is, let us begin with Leslie White. ठीक है, please write. Subheading लिख लीजिए, Leslie White. Leslie White करके सबहेडिंग लिख लीजिए. इनका कंट्रीब्यूशंस देखते हैं. सी, इनका कहना है कि क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म जो है ऑल आउट, मतलब थ्रू आउट दिस, इट इज नॉट कंप्लीटली रॉन्ग. ठीक है, यस, इट इज नॉट कंप्लीटली रॉन्ग. इसमें कुछ शॉर्टकमिंग्स है, उसको फुलफिल करना है. एंड इट वॉज लैकिंग दिस साइंटिफिक एविडेंसेस. सो साइंटिफिकली कुछ मतलब रिप्रेजेंटेशंस देना होगा, साइंटिफिक इक्वेशंस देना होगा इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट दिस. सो ऑन द लाइन्स ऑफ इट, दिस पीपल केम इन टू बींग एंड दे स्टार्टेड गिविंग दोज साइंटिफिक एविडेंसेस टू द एवोल्यूशनिज्म थ्रू वेरियस एरियाज. सो ये वाला देखते हैं, प्लीज राइट. सी, लेस्ली वाइट जो है, ही बिलीव्स दैट एवोल्यूशनिज्म जो है वो कॉन्सेप्ट गलत नहीं है. It is not wrong in the concept. Where it was lacking in the data. It was lacking in the scientific evidences. So that is what he wants us to, you know, fulfill. Please write. He concluded that evolution was not wrong in theory. Concluded that evolutionism, matlab classical evolutionism, evolutionism is not wrong in theory. Wrong in theory, but only in data. क्योंकि secondary data collect कर रहे थे, ठीक है, उस basis पे इन्होंने कहा है कि data पे ये गलत है. अगर data पे rectification करेंगे, same can be applied. ठीक है, next point में लिख लीजिए. Cultural evolution was just as real. And cultural evolution जो है, it was real and demonstrable. That is what he was saying, कि as real and demonstrable as biological evolution. जिस तरीके से आप biological evolution को demonstrate किया है scientifically, इसी तरीके से कल्चरल एवोल्यूशन को भी हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं साइंटिफिकली. ठीक है, सो दैट इज व्हाट ही सेड. एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट ही केम अप विद सर्टेन प्रिंसिपल कॉल्ड बेसिक लॉ ऑफ कल्चरल एवोल्यूशन. सो नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए, ही डेवलप्ड, और सिंपली हेडिंग जैसे लिख लीजिए, बेसिक लॉ ऑफ, ही गेव बेसिक लॉ ऑफ कल्चरल एवोल्यूशन. कल्चरल एवोल्यूशन सिंपल कॉन्सेप्ट है, मतलब एक लॉ दिया है इन्होंने. ठीक है, सो व्हाट इज दिस लॉ, प्लीज राइट. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कल्चर इवॉल्व्स. ये लॉ होता है क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कल्चर इवॉल्व्स एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी हार्नेस्ड, एज the amount of energy harnessed, मतलब utilized, जितना energy harness किया है, harnessed per capita per year, per capita मतलब per individual per year, time के साथ per year increases. ठीक है, जैसे ये इंक्रीज्ड करके लिख लीजिए, जैसे ये इंक्रीज हुआ है, एनर्जी हार्नेसिंग कैपेसिटी इंक्रीज हुआ है, दैट इंडिकेट्स कल्चरल एवोल्यूशन. दैट्स व्हाट ही इज हाईलाइटिंग इट. ठीक है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल देखो, हंटिंग एंड गैदरिंग कम्युनिटी है, प्लीज अंडरस्टैंड ये वाला कॉन्सेप्ट. इसी तरीके से आप नोट्स भी बना सकते हो. सी, क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म क्या कहता है, सिंपल सोसाइटी से कॉम्प्लेक्स में इवॉल्व होकर आया है. अगर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पे बात करना है तो वहां पर ये क्या कहता है, हंटर गैदरर से स्टार्ट हुआ है. ठीक है, उसके बाद गया होगा फिशिंग पे अकॉर्डिंग टू क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म,
फिशिंग से स्टार्ट हुआ है, पास्टोरलिज्म, ठीक है, पास्टोरलिज्म, नोमैडिक पास्टोरलिज्म, देन स्वीडनिंग जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन वगैरह जो है, देन हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, देन एग्रीकल्चर. सी, मैं एग्रीकल्चर तक ही लेकर जा रहा हूँ, इसके बाद हमें पता है मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर आएगा. सो इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है. अब देखो व्हाट दिस पर्सन वुड से, यहाँ पर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है पर कैपिटा, एनर्जी पर पर्सन पर ईयर, सो ऑब्वियसली इट विल बी लो एंड इट इज गोइंग टू इंक्रीज एज यू आर गोइंग विद दिस. क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे जा रहे हो प्रोडक्शन जो है इंक्रीज होते जा रहे हैं एंड यू आर गोइंग टू गेट दिस सरप्लस. दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी यू आर हार्नेसिंग, द नो द लेवल ऑफ एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेस इज इंक्रीजिंग, ठीक है. एंड यहाँ पर आप एक और चीज नोटिस कर सकते हो, एज यू आर गोइंग लाइक दिस व्हाट इज हैपनिंग टू द टेक्नोलॉजी. एक तो एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, साथ साथ में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है. हमने थर्ड यूनिट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में देखा है सारे सोसाइटी का मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी लेवल वगैरह देखा है. यहाँ पर सिंपल टेक्नोलॉजी बाउ एंड एरो बास्केट वगैरह है. यहाँ पर जाएंगे तो फिशिंग में देर इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हार्पून्स वगैरह आता है, नेट्स आता है, इवन फिशिंग नेट्स, हुक्स वगैरह जो आता है. पास्टोरलिज्म में थोड़ा और कॉम्प्लेक्स, थोड़ा एग्रीकल्चर में आया तो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी. सो टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. इस बेसिस पे द लेवल ऑफ एनर्जी विच इज इंक्रीजिंग, इस बेसिस पे कहता है एंड ही गिव्स दैट कल्चरल एवोल्यूशन इज डायरेक्टली, यहाँ पर सी ई का मतलब है, ओके ऑल राइट, फुल फॉर्म कल्चरल एवोल्यूशन. ही सेज कल्चरल एवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉट, एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी, एनर्जी इनटू टेक्नोलॉजी, ठीक है. सो अगर इसको इक्वेट करेंगे तो कल्चरल एवोल्यूशन इज गोइंग टू बी इक्वल टू बी सम कांस्टेंट, लेट्स से सम कांस्टेंट, आई एम गोइंग टू यूज स्मॉल के, इनटू एनर्जी इनटू टेक्नोलॉजी. यहाँ पर ई फॉर एनर्जी एंड टी फॉर टेक्नोलॉजी. सो दिस इंडिकेट्स दैट, ठीक है, कल्चरल एवोल्यूशन जो है, cultural evolution will increase or cultural development will happen if there is a increase in the energy. same is the case, kyunki energy and technology jo hai they are interrelated. technology badhta hai to energy, amount of energy that we harness will increase, theek hai. isi tarike se ye wala law bana lo, ye wala same equation bana do. once done tell me, then we will begin. see, they were not interested in any particular culture or particular institution, rather interested in the like most fundamentals because of which the evolution has happened. So they were not focusing on any particular institution. Are they focusing kya social institution ke bare mein study kar rahe hai? Nahin. They were mainly focusing on what is the fundamental law behind this cultural evolution, usko target kar rahe hai, theek hai. सो प्लीज राइट, नेक्स्ट पॉइंट भी लिख लीजिए. ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन पर्टिकुलर कल्चर और सोशल इंस्टीट्यूशन, रादर interested in most fundamental aspects due to which the cultural evolution happened. सो यहाँ पर वो किस पे फोकस कर रहा है, व्हाट इज दैट मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट विच इज ड्राइविंग द कल्चरल एवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू हिम, इट इज द एनर्जी. सो ही सेज दिस इज द फंडामेंटल ड्राइवर ऑफ एवोल्यूशन, कल्चरल एवोल्यूशन, ठीक है.
गेटिंग द पॉइंट? सो एनर्जी पे फोकस कर रहा है. सो वहां पर पॉइंट में लिख लीजिए क्या लिखा है, दैट इज एंड पे, दैट इज एनर्जी, दैट इज एनर्जी करके स्टेटमेंट को पूरा कर दो. अब देखो इन्होंने एक और काम, एक और बात बोला है. जैसे हम अर्लियर डेफिनेशंस में देखा है क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट में एलएच मॉर्गन क्या किया था, स्टेजेस डेवलप, स्टेजेस का डेवलपमेंट करके वहां पर ईच स्टेज का क्लासिफाई करके कैरेक्टरिस्टिक दिया है. जैसे सैवेजरी है तो कैसे कैरेक्टरिस्टिक होगा, बारबारिक है तो कैसे कैरेक्टरिस्टिक होगा, देन सिविलाइज्ड है तो कैसे कैरेक्टरिस्टिक होगा. उसमें एक बात कहता है कि सिविलाइजेशन और सिविलाइज्ड सोसाइटी इज दैट विच हैज द डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, ये सारी चीजें वहां पर डिस्क्राइब करता है. बट दिस पर्सन लेस्ली वाइट सेज कि इट इज नॉट द डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट और लैंग्वेज, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे सोसाइटीज है जहां पर स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज नहीं है, बट they have developed with respect to the technology with which they are able to harness the energy. So you have to look at the technological development of how they are harnessing the energy, how they are exploiting this energy. Okay, please write. According to him, civilization is not the stage marked by civilization is not the stage marked by writing language, script, etc., as suggested by Morgan. Morgan is classical evolutionist, ठीक है, as suggested by Morgan. Rather, it is stage marked by increase in, arrow mark means increase, ठीक है, increase in energy harnessed due to technological development. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. अभी थोड़ी देर पहले ये वाला देखा था हमने, जैसे हम सिंपल सोसाइटी से आगे बढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स की साइड, सो टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रहा है जिसके वजह से एनर्जी इज आल्सो इंक्रीजिंग. सो क्लियरली फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स, एक तो कह रहा है कि एनर्जी इज द फंडामेंटल ड्राइवर ऑफ द कल्चरल एवोल्यूशन, सेकेंड कह रहा है कि इट इज द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट दैट ड्राइव्स इट. So, cultural evolution is proportional to energy, cultural evolution is proportional to technology. Together, we can merge it and say, cultural evolution is proportional to energy into technology. This particular law is called, जैसे basic law, हमने देखा था ना, basic law of cultural evolution. Sometimes it is also called as law of cultural development, law of cultural डेवलपमेंट, ठीक है. एंड ही गिव्स लाइक यूनिवर्सल एवोल्यूशन कॉन्सेप्ट, ठीक है, ही इज ए यूनिवर्सल एवोल्यूशन. यूनिवर्सली यू कैन सी दैट एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी हार्नेस्ड और एज द टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंग, दैट पर्टिकुलर कल्चर इज मूविंग टूवर्ड्स द सिविलाइजेशन, मूविंग टूवर्ड्स द डेवलप्ड स्टेज, ठीक है, ये कहता है यूनिवर्सल, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट लेस्ली वाइट. अब बताइए इसमें कोई डाउट है यहां तक जो भी हमने डिस्कस किया है? यहां पर इट्स ऑल अबाउट लाइक प्रोवाइडिंग द एग्जांपल्स दैट वॉट एवर दैट वी हैव लर्न्ड अर्लियर फ्रॉम अवर अर्लियर डिस्कशंस ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इससे जो भी हमने एग्जांपल सीखा है, सेम थिंग्स यू कैन पुट इट हियर. सी इफ यू वांट यू कैन आल्सो क्लब इट, यू कैन आल्सो लिंक इट विद द
लेवल ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, हमने ये वाला देखा है, जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, सरप्लस होते जा रहा है, सो व्हाट इज हैपनिंग, पॉपुलेशन डेंसिटी इज इंक्रीजिंग. जब वो पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होता है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, उनको कंट्रोल करने के लिए स्पेशलाइजेशन इन इंस्टीट्यूशंस हैज टू हैपन. सो वेरियस इंस्टीट्यूशंस कम्स इनटू बीइंग, दैट इज नथिंग बट कल्चरल डेवलपमेंट. ठीक है, सो इस तरीके से आप लिंक कर सकते, कोर समझो देन यू अप्लाई इट. ठीक है, नाउ